और देखिए सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे थे, इससे पहले हम दिखा रहे थे आपको तस्वीरें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि काल भैरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां से वो निकल चुके हैं, यानी कि अब से किसी भी वक्त जो निर्धारित समय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। नामांकन दाखिल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और ये देखिए ये खास तस्वीर है कि किस तरह से पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। काल भैरव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले काशी वो पहुंचे थे, कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आज उनके द्वारा गंगा आरती भी की गई थी और अब काल भैरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूजा अर्चना की गई, आशीर्वाद लिया गया और साथ में आपको जो सुपरहिट जोड़ी कही जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ही साथ में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि आज जब नामांकन दाखिल किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, 12 राज्य के मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहां पर रहने वाली है। और देखिए ये छोटी छोटी गलियां हैं बनारस की और इन छोटी छोटी गलियों के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने हर हर गंगे हर हर महादेव आपने नारे जरूर सुने होंगे, पर अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो ऐसे में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगना भी शुरू हो गए हैं। मेरे साथ सहयोगी दीपिका लगातार वाराणसी में मौजूद है। दीपिका, खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काल भैरव में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद में अपार आशीर्वाद मिल रहा है जनता का प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल आयशी, अपार समर्थन तो मिल ही रहा है, वो ये तस्वीरें बयां भी कर रही हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है क्योंकि कई यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां आगे निकल चुकी है और जो रूट का जो निरीक्षण है वो भी कर लिया गया है, चेक कर लिया गया है और अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए जैसे ही लोगों को लगता है कि ये गाड़ी पीएम इसमें हो सकते हैं वैसे ही लोग नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर देते हैं और अब किसी भी क्षण वो क्षण बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से निकलेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में चारों तरफ आपको लोग नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से 2014 के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 2014-2019 में जीत का आंकड़ा दोनों बार बढ़ा। 2014 की बात करें तो 2014 से ज्यादा 2019 में जीत का आंकड़ा बढ़ा। और देखिए एक और गाड़ी दरअसल ये जो गाड़ियां हैं इनमें जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे वो भी उनकी भी गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। लेकिन आपको एक अपडेट बता देते हैं, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुशील मोदी के निधन की वजह से नीतीश कुमार नहीं काशी पहुंच रहे हैं, यह अपडेट हमें मिला है। आपको बता दें कि 11 राज्यों के सीएम अब मौजूद रहेंगे नामांकन के दौरान, जो चार प्रस्तावक हैं वो भी वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद नामांकन पीएम मोदी दाखिल करेंगे। देखिए एक के बाद एक ये जो गाड़ियां हैं ये काफिला निकल रहा है, रूट चेक कर लिया गया है और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी और देखिए फूल बरसाना शुरू कर दिए हैं और देखिए ये देखिए पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीली जैकेट आज पहने हैं। कल भगवा कलर की जैकेट वो पहने थे, सफेद कलर की शर्ट नीली जैकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे दर्शकों को ने देखा और जैसे ही पीएम मोदी यहां से निकले और देखिए लोग मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, फूल बरसाए लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर और काफिला प्रधानमंत्री का निकल चुका है। खास बात और आपको बता दें तो आयशी अपने दर्शकों को हम वो ये है कि पहले ये लग रहा था कि संभवतः यहां से पीएम मोदी का काफिला ना निकले क्योंकि डाइसी लग रहा था क्योंकि दूसरा भी रूट है, एक और रूट है वहां पर इसके 300 मीटर की दूरी है, ऐसा माना जा रहा था कि यहां से नहीं तो वहां से पीएम मोदी निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको हमने तस्वीरें दिखाई, पीएम मोदी का काफिला निकल गया है और उन्होंने जैसे ही लोगों की तरफ देखा एक स्माइल उन्होंने पास की, उन्होंने इस तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को देख लिया नीले कलर की जैकेट में आज पीएम मोदी। हाँ बिल्कुल देखा गया और देख कर तबीयत खुश हो गया। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए हर हर मोदी घर घर मोदी की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं सुन रही थी लगातार जिस तरीके से प्रवक्ता की तरफ से कहा भी जा रहा था कि वहां पर आपकी रिपोर्टर ने जब लोगों से बातचीत की जिस तरीके से लोगों ने कहा, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमने एक एक प्रतिक्रिया को अपने दर्शकों तक पहुंचाया है।